पंजाब के किसान घर के अंदर हैं, उन लोगों के घर में धरने लगा के बैठे हुए हैं, उनके घर के आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। हमारा देश किसानों का हमेशा से सम्मान करता रहा है। मोदी जी 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है ये 2034 का चुनाव लड़ा जा रहा है। ये इंडिया गठबंधन पहली बात तो इंडिया है ही नहीं। किसी किसान नेता ने जाकर के उसके घर में पूछा कि तुम्हारा बंदा मारा गया था, तुम्हारे को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा। एक घोड़ी है, एक सीट है, 12 दूल्हे हैं। हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है और बनना भी चाहिए, हमारा देश आजाद है। आपको याद होगा जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो एक चुनाव लड़ा करता था, धरती पकड़। मैंने उसको बड़े सालों तक चुनाव लड़ते हुए देखा, राष्ट्रपति जी का, उसका नाम होता था धरती पकड़, और वो चुनाव लड़ता था क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है। तो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और प्रधानमंत्री बनने का भी अधिकार सबको है। तो इस यही चीज़ ये कर रहे हैं। और रही किसानों की, देखिए क्या पूरे देश के अंदर 29 राज्य हैं हमारे, क्या आपको बॉर्डर पे 29 राज्यों के किसान नज़र आ रहे हैं? नहीं, वहाँ पर तो केवल पंजाब और हरियाणा के किसान मौजूद हैं। देखिए हरियाणा के भी 0.5% मौजूद हैं, और किसान जो पंजाब के हैं वो काम कर रहे हैं। मैं खुद पंजाब से आता हूँ, पंजाब के किसान घर के अंदर हैं, उन लोगों के घर में धरने लगा के बैठे हुए हैं, उनके घर के आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं, वो किसान नहीं हैं। फिर कौन है? अगर किसान नहीं है तो फिर कौन है? देखिए जी, जब कोई साधु महात्मा जब हमारे दरवाजे पे आता है तो हम उसे साधु इसलिए कहते हैं, उसने भगवा वस्त्र पहने होते हैं। वो उस चोले को, उस वाणे को हम प्रणाम करते हैं, चाहे वो गुंडा हो, हम उसको साधु का वेश देखते हैं। और इसी तरह से ये किसानों का बाणा पहन के, किसानों का करके ये किसान के नाम पर बैठे हैं। हमारा देश किसानों का हमेशा से सम्मान करता रहा है, लेकिन ये किसान की आड़ में कुछ 5% लोग हैं जो देश की फिजा को ख़राब करना चाहते हैं, देश की हवा को ख़राब करना चाहते हैं। किसान नहीं है, किसान ही नहीं है। क्या लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही लगातार आंदोलन होता रहा तो 2024 की चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए चुनौती छोड़ दीजिए, 2024 का चुनाव तो बीजेपी लड़ ही नहीं रही है। फिर कौन लड़ रहा है? मोदी जी 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जो लड़ा जा रहा है ये 2034 का चुनाव लड़ा जा रहा है। 24 का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, है ही नहीं, 34 का है। 34 का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज ये जो किसानों के कारण, किसान आज इनके खिलाफ है। अभी एक बच्चे का कत्ल कर दिया गया, उसको दरवाजा बंद करके मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू था, और जबकि सिख और हिंदू एक ही हैं, ये नखून और ये मांस एक ही है। डंडे में पानी में डंडा मारने से पानी अलग नहीं होता, और सिख और हिंदू एक हैं। 10 के 10 गुरु हमारे हैं, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी होते हैं वो हमारा गुरु का द्वार है। तो ये कुछ लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं और जब आंदोलन में जाते हैं तो पगड़ी पहन के वहाँ पहुँच जाते हैं, ये वो नहीं है, आंदोलन जीवी हैं बेटे ये। क्या किसान पुलिस के ऊपर कभी अटैक कर सकता है, क्योंकि उसी का बेटा पुलिस के अंदर है? क्या किसान तीर कमान से ड्रोन को गिरा सकता है, हमारे देश का ड्रोन है ना? तो वो ये किसान नहीं है, ये सिर्फ किसानों की आड़ में देश को भ्रम फैलाने के लिए, और पूरी दुनिया अब इनकी चाल से वाकिफ हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए तो इंडिया गठबंधन टूटते हुए दिख रहा है, तो क्या लग रहा है? क्योंकि एक तरफ तो न्याय यात्रा निकल रही है, क्या न्याय यात्रा मजबूती दे पाएगी? देखिए मेरी बात सुनिए, इंडिया गठबंधन पहली बात तो इंडिया है ही नहीं, हाँ। भारत है, हाँ। तो भारत गठबंधन तो टूट ही नहीं सकता, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भारत गठबंधन ही चल रहा है। ये तो वो लोग हैं जिनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, जिनको कुछ दिख नहीं रहा, ये वो लोग हैं बेटे। और आप भूल जाएं, बल्कि किसानों के आंदोलन की आड़ में जो बेरुपिया आए हुए हैं, इनसे ग्राफ बढ़ेगा। किसान समझ चुका है, किसान जान चुका है कि ये हमारे नाम पर पैसा खा रहे हैं। जो किसान आंदोलन हुआ था पिछली बार, बहुत सारे लोग मारे गए थे, क्या 700 लोग मारे गए थे किसान? बिल्कुल, हम मानते हैं, उनके आंकड़े मानते हैं। ये जो जितने भी जत्थेबंदी आए हैं, किसी किसान नेता ने जाकर के उसके घर में पूछा
कि तुम्हारा बंदा मारा गया था, तुम्हारे को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, याद नहीं आया क्या? जब तो यहाँ पर काट काट करके और इनको टांग रहे थे यहाँ बैरिकेडिंग के ऊपर, और जो बच्चे मर गए, जो बुजुर्ग मर गए, उसके उनके घर में जाके देखा कि तुम्हारा बिजली का बिल कैसे जा रहा है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्त लोग हैं। और मोदी जी का ग्राफ ऊपर होगा, किसान भरपूर तरीके से, अब देखिए ना वो डकैत, वो वहाँ बैठा हुआ है, 6 बॉर्डर छोड़ के यूपी के, 1-2 बॉर्डर नहीं, 6 बॉर्डर छोड़ के क्यों बैठा है? क्योंकि यहाँ बाबा जी बैठे हैं ना, यहाँ से उठा करके उसको वहाँ भेज देंगे आसाम में। तो डकैत साहब डर रहे हैं क्या? अगर डरते नहीं तो बैठते ना गाजीपुर में आके। क्या होगा, गाजीपुर तो उनके घर के पास ही है ना, बड़ोद बागपत का बॉर्डर कहाँ है, सीमापुरी बॉर्डर है। हाँ जी, आओ ना यहाँ बैठो ना, वहाँ क्यों बैठे हो तुम हरियाणा के बॉर्डर पे? वो तो कह रहे हैं केवल सरकार तानाशाही चला रही है। देखो जी, सरकार तानाशाही तो इमरजेंसी में चलाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उठा करके सारे नेता को मार दिया और अभी तक उनकी लाशें नहीं मिली इमरजेंसी के अंदर, आपातकाल लगाया, तानाशाही तो जब चल रही थी। देश आजाद होने के बाद सबसे अच्छे प्रधानमंत्री अगर कोई हुए नंबर वन पे, तो लालों के लाल लाल बहादुर शास्त्री जी हुए। शास्त्री जी के बाद अगर किसी ने देश को संभाला तो इंदिरा गांधी ने भी अच्छा काम किया था, गलत भी किया तो अच्छा भी किया, लेकिन जो काम अटल जी ने किया वो काम इन्होंने सोचा भी नहीं। अटल जी की देन है, आज दिल्ली में मेट्रो चल रही है, अटल जी की देन है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रोड बन रहे हैं, ये अटल जी की देन है। जो DDA जो आप नज़र आ रहा है, जब जनसंघ की गवर्नमेंट बनी थी उस समय विजय कुमार मल्होत्रा जी शहरी विकास मंत्री थे, DDA की नींव इमरजेंसी के दौरान रखी गई थी, जो आज पूरी दिल्ली के अंदर DDA के मकान मिलते हैं, DDA की मार्केट मिलती है, तो ये काम तो शुरू से ही करा इन्होंने। लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या करा, चोरी करना, डकैती करना। लोग कहते हैं जी कांग्रेस के राज के अंदर प्रॉपर्टी बहुत महंगी थी, क्योंकि वो चोरी कर रहे थे, महंगाई थी, सब आदमी खा रहे थे, आज कोई नहीं खा रहा है। ठीक है, 2024 में क्या लग रहा है, क्या आने वाला है? 2024 में 400 से प्लस सीटें आ रही हैं 400 प्लस, तो देखिए 400 प्लस सीटें आ रही हैं लगातार। जिस तरीके से चर्चाएं भी हो रही थी, किसान आंदोलन जहां एक तरफ अपनी चरम सीमा पर है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन भी चर्चा में, लेकिन जनता इन सारी चीज़ों को कैसे देख रही है और किसान आंदोलन के पीछे कौन है, उसका भी साफ तौर पर पर्दाफाश करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहें लील डिंग भारत पर, कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।